तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो, जिसमें मैं आज आप लोगों को अपना गेम बूस्टर दिखाने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इंट्रो मेरा झेल लो। तो इसकी लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, तो फट से जाकर वहाँ पे ये वाला गेम बूस्टर डाउनलोड कर लेना और इसको अपने फ़ोन में रख लेना। और मैं आप लोगों को इसका इंट्रो दिखाता हूँ। मैंने ये सबसे पहली बार इंट्रो देखा तो इसका दिल आ गया, मेरे ऊपर इसका दिल आ गया। तो ये बहुत अच्छा, देखो एकदम फ्यूचर जैसा इंट्रो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको साइड में पूरा ये भी दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करने पे आपको ना बूस्टिंग मिलता है, जो ऑल ऐप को बूस्ट करता है और जैसे कि गेम्स को और ज़्यादा बूस्ट कर देता है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। वहाँ पे साइड में भी आपको बूस्ट क्लिक करके दे रहा होगा, तो उसको भी क्लिक करने के बाद आप लोगों का बूस्ट होने लगता है। तो उसके नीचे जैसे कि एडिट भी आता है, एडिट मोर, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी आराम से कर सकते हो, और फ्री फायर पबजी जैसे बड़े बड़े गेम भी आप यहाँ पे आराम से 2G वाले फ़ोन में भी आराम से चला सकते हो। तो गेम बूस्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऑल टू ऑल आपको बूस्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा ही ओपी लगता है देखने में। और गेम बूस्टर का तो फ्यूचरिस्टिक तो है ही, तो मज़ा आ जाता है इसको खेल करके। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को उसमें जो फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। या तो बीच में जैसे कि आपका गेम लैग करता है तो आप बीच ही में पूरा बूस्टिंग कर सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे फीचर मिलता है। और यहाँ पे एकदम साइड में ऑफलाइन ऑफ प्ले का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप ऑफलाइन प्ले भी कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप उनको करके बहुत ज़्यादा अपने गेम को ओपी बना सकते हो। तो मैं आप लोगों को जैसे कि माइनक्राफ्ट पर खोल करके दिखा देता हूँ कि अगर आप साइड में क्लिक करते हो तो आपको माइनक्राफ्ट, तो जैसे आप लोग देख सकते हो अभी माइनक्राफ्ट ओपन होगा। तो आप लोग जैसे कि किसी भी गेम को ओपन करोगे तो आप लोगों को उसका बर्थमार्क्स मिल जाएंगे, जिसके जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो मैंने गलती से ऐप में फिर से आ गया। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग बहुत बड़े बड़े गेम्स के भी नाम जान सकते हैं, या तो अपने वीडियो क्वालिटी को भी सेटिंग में से आराम से जा कर के बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा लो कर सकते हैं, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी होती है। और आप कितने FPS पे खेलना चाहते हो वो भी सेट रहता है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को कोई रोक झोंक नहीं मिलता। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ करके बताता हूँ, ये भी इसको ना मैं एंड्रॉयड पे कर देता हूँ। हाँ, आप सही से काम करेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एक सेटिंग्स मिलते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आप ये कार साइड वाला कट बटन बहुत ज़्यादा क्यूट मिलता है, तो इसका अच्छा खासा रहता है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि आप इसका अपनी मर्जी से कलर भी रख सकते हो, मतलब स्क्रीन का एकदम डार्क रखना है या एकदम लाइट रखना है। तो मुझे लाइट ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो मैं लाइट ही रखूँगा। तो आप लोग की मर्ज़ी, आप कोई सा भी रख सकते हो, तो वो आपके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन मुझे तो लाइट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लाइट को ही रखता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि मैं रिकॉर्ड करके भी दिखाई देता हूँ, तो ये पता नहीं मैंने रिकॉर्ड के बाजू वाला क्लिक कर दिया तो वो गलत हो गया। तो मैंने ये जावा UI लगा के रखा है, तो वो तो आप लोगों को पता है ये कुछ इस टाइप का UI हो चुका है। और यहाँ पर जैसे कि आपका बूस्टिंग होता ही रहेगा, तो मैं भारो बोर्डिंग वोडिंग वाला, तो बूस्टिंग होता ही रहेगा। और जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को मिलता है टच लॉक, मतलब अगर आप चले जाते हो कहीं पे भी, जैसे कि आप चल गए बाथरूम करने, नहीं बाथरूम करने नहीं, आपके मम्मी ने बोला आपको कुछ सामान लाने, तो आप आराम से टच लॉक लगा के जा सकते हो, आपके गेम को कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि यहाँ पे आप लोग को वही पुराने फीचर सब दिख ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप कार साइड में क्लिक करने की वजह से मैं पूरा का पूरा यहीं पे आ गया। फिर से उसी को क्लिक करना पड़ेगा, फिर से मौसम, एकदम मौसम वाला इसका इंट्रो लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम गेमिंग के लिए मेरे लिए वैसा बना है ऐसा लगता है। आप लोग भी आराम से इससे खेल सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे बड़े बड़े गेम भी आप आराम से खेल सकते हो, जैसे फ्री फायर मैक्स हो गया, पबजी हो गया, पबजी मोबाइल हो गया, आप जो चाहे वो खेल सकते हो, वह आपको बूस्ट करेगा। कम से कम आप 3GB RAM वाले फ़ोन में भी आराम से खेल सकते हो, 2GB वाले फ़ोन में भी आराम से खेल सकते हो।
सकते हो, लेकिन आपके फ़ोन में स्पेस ज़्यादा रहना चाहिए थोड़ा सा, तो वो तो चलता ही रहता है। तो ये भी थोड़ा मोड़ा ये लेता है, जैसे कि थोड़ी मोड़ी जगह कंज्यूम करता है, मतलब लेता है, जैसे कि 2 या 3 MB लेगा, या कभी कभी 40 MB भी लेता है ये, तो उसमें कौन सी बड़ी बात नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए टाटा बाय बाय सी।